सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू लर्न ड्यूक 390। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि 390 आप कैसे सीख सकते हो जो अभी सीखना चाहते हैं। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप बाइक को सीख सकते हो, कैसे आप इसे स्मूथली चला सकते हो, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको क्लच और गियर दोनों के बारे में आज आपको बताऊंगा, क्लच को कैसे कंट्रोल करना है और गियर शिफ्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको गियर के बारे में बता देता हूँ, क्लच का भी आपको बता दूंगा कि क्लच को आपको सेट कहाँ पे करना है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले आपको गियर के बारे में बताता हूँ। सो ये है इसका गियर। ओके, तो गियर यहाँ पे आपको शो कर देगा, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे अभी न्यूट्रल पे है और साइड स्टैंड डाउन है, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। गियर यहाँ पे शो कर देगा। तो सबसे पहले फर्स्ट गियर डालने के लिए आपको गियर को नीचे करना पड़ेगा, नीचे, और फर्स्ट डल गया तो ऊपर आ गया यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट गियर। और सेकंड के लिए आपको इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना पड़ेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखो यहाँ पे फोर्थ तक हो गए हैं गियर। और डाउन करने के लिए अब आपको प्रेस करना है 3, 2, और 2 और 1 के बीच में एक होता है न्यूट्रल। ओके, तो न्यूट्रल करने के लिए आपको बिल्कुल धीरे से इसको प्रेस करना पड़ेगा, धीरे धीरे से। ये देखो न्यूट्रल हो गई है, ये देखो न्यूट्रल। तो फर्स्ट गियर होता है नीचे यहाँ पे फर्स्ट, और न्यूट्रल होता है बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। करने आपको जोर से प्रेस नहीं करना, आपको धीरे से बस हल्का सा उठाना है, ऐसे करके धीरे से आप इसे हल्का सा उठाओगे ऐसे तो हो जाएगा। कैसे आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हो ये मैं आपको चलते चलते बताऊंगा, लेकिन कैसे शिफ्ट होते हैं गियर वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो वैसे ही फर्स्ट नीचे को, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में न्यूट्रल, और न्यूट्रल ऊपर, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसमें आपको दिख जाता है बाइक में कि कौन से गियर पे है। अभी देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, न्यूट्रल पे है अभी मैं, अब फर्स्ट हो गया और सेकंड, थर्ड। तो इस तरह आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हो आराम से। आपको बस याद रखना है कि गियर, फर्स्ट गियर कहाँ है, सेकंड गियर कहाँ है, ये है गियर शिफ्टिंग का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्लच को कैसे हमें 390 में एडजस्टेबल लीवर मिलते हैं, और ब्रेक और क्लच का दोनों, तो यहाँ पे सेट करने पड़ते हैं ये। तो मैंने इसको सेट करके रखा है 5 पे, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, मैंने इसको 5 पे सेट करके रखा है, और जब बाइक मिली थी मुझे तब भी ये 5 पे था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको, अगर आप नए नए बाइक सीख रहे हो तो आप इसको 5 पे रहने देना, बिकॉज 5 पे थोड़ा सा क्लच छोड़ने पर गाड़ी आगे चलने लग पड़ती है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है बिगिनर्स के लिए। तो इसलिए आपको 5 पे सेट करके रखना है, ताकि आप थोड़ा सा क्लच छोड़ो और गाड़ी चलने लग पड़े। बताता हूँ कि आपको बाइक को चलाना कैसे है। ओके, तो सबसे पहले याद रखना, जब भी आप बाइक चलाओ साइड स्टैंड यहाँ स्क्रीन पे देख लेना, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ ऊपर वार्निंग आ जाती है, और जब अगर आप साइड स्टैंड लगा होगा तो बाइक नहीं चलेगी। स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन चलेगी नहीं। और बहुत से लोग बोल रहे थे भाई कि साइड स्टैंड आपका डाउन है और आपकी बाइक फिर भी स्टार्ट होगी, तो मैं बता दूं गाइस कि साइड स्टैंड डाउन हो तब भी बाइक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब आप गियर डालोगे ना तब बाइक बंद होगी, वाइजर बंद। अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको क्लच प्रेस करना है, क्लच प्रेस कर दिया। ओके, और अभी आपको गियर डालना है, क्लच प्रेस करके रखना है और गियर डालना है, फर्स्ट गियर डाल दिया। आपको झटका महसूस होगा जब आप फर्स्ट गियर डालोगे, और यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा फर्स्ट गियर। तो आपको क्लच नहीं छोड़ना है, और आपको एक्सीलेटर भी अभी नहीं देना है, आपको क्लच छोड़ना है धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कछुआ चलता है धीरे धीरे, बस वैसे ही आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। और एक टाइम आएगा कि बाइक अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये देखो बाइक चलना स्टार्ट होगी, अभी मैंने स्पीड नहीं दी है और बाइक चल रही है, देखो ये देखो 7, 8, 9, 9, 10, अभी एक्सीलेटर नहीं दिया है मैंने, देखो फिर भी बाइक चल रही है।
तो जो भी पावरफुल बाइक होती हैं वो क्लच छोड़ने पर ही अपने आप चलना स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज इंजन में काफ़ी ज़्यादा पावर होती है तो अपने आप चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आप जब भी आप सीख रहे हो तो एक्सीलेटर मत दो, बिकॉज उसमें एक ही प्रॉब्लम होगी, आप क्लच थोड़ा सा छोड़ोगे और एक्सीलेटर फुल दे दोगे और आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगी, और ये बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसलिए आप एक्सीलेटर तब तक मत दो जब तक बाइक अपने आप चलना स्टार्ट होगी, आपको क्लच छोड़ना, और जब बाइक 7 या 8 की स्पीड पे पहुंच जाएगी तब आपको एक्सीलेटर देना, तब आपकी बाइक चलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको बताता हूँ कि गलतियाँ क्या करते हैं हम लोग, आपको गलती बताता हूँ गलती क्या करते हैं। ये गियर डाला, ओके, गियर डाला और ऐसे क्लच छोड़ा और बाइक चलेगी नहीं, और आप बाइक चल नहीं रही है फिर भी आप ऐसे एक्सीलेटर दोगे, तो ये बहुत से लोग गलतियां करते हैं। आप क्लच नहीं छोड़ रहे हो और एक्सीलेटर आप दे रहे हो और कहते हो कि बाइक नहीं चल रही है, तो इसमें आपको एक्सीलेटर नहीं देना, आपको सिर्फ क्लच छोड़ना और बाइक चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, तो इसलिए आपको क्लच पे ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस कि बाइक चलना स्टार्ट हो जाएगी क्लच छोड़ने के बाद, तो एक्सीलेटर कब देना है आपको। ओके, तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ। तो अभी क्लच पकड़ा मैंने और गियर डाला, गियर डल गया और फिर मैंने क्लच छोड़ना स्टार्ट किया। ये देखो बाइक चल रही है, एक्सीलेटर नहीं दिया मैंने, बाइक चल रही है और बाइक को चलने देते हैं। ये देखो चलने दो आराम से, और 10 की स्पीड आ गई है, और अभी मैं छोड़ूंगा तो बाइक बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए 9, 7, 8 की स्पीड पे आपको एक्सीलेटर देना है, बिल्कुल धीरे धीरे। ये देखो, और जब बाइक 15 की स्पीड पे पहुंच जाए तो आपको क्लच को धीरे से छोड़ देना है। ओके, देखो बाइक चल रही है, 22 तक पहुंच गई, और जब आपको रुकना है तो आपको क्लच प्रेस कर लेना फिर से। तो बाइक चल रही है और जब करनी, क्लच प्रेस नहीं करना है आपको, को रियर ब्रेक को प्रेस करना है, और जब बाइक की स्पीड 10 पे पहुंच जाएगी ना तब आपको क्लच को पकड़ लेना और रुक जाना है। तो ये है, एक बार फिर से करके बताता हूँ मैं। 10 पे पहुंच जाए या 8, 9, 7 ऐसे, जब आपकी स्पीड पहुंच जाए बाइक की, आपने एक्सीलेटर नहीं देना जब तक आपकी स्पीड 10 पे या 8 पे पहुंच नहीं जाती, आपको एक्सीलेटर नहीं देना है। नए नए उनके लिए बता रहा हूं मैं जो नए नए सीख रहे हैं, बिकॉज लोगों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्लच में ही होती है, क्लच को कैसे कंट्रोल करना, बाइक उनसे बंद हो जाती है, और ये बहुत बार होता है, मेरे से बहुत बार हुआ है और इसी बाइक में हुआ है। सबसे पहले आपको क्लच ही सीखना है, तो क्लच को कैसे कंट्रोल करें आपको क्लच ही सीखना है, ये एक्सीलेटर देना ही नहीं है, ठीक है, छोड़ दो एक्सीलेटर को, समझो एक्सीलेटर एक्सीलेटर है ही नहीं बाइक में। ओके, बस आपको ऐसे ही चलते रहना है, आपसे होगी बाइक बंद होगी, अगर आपसे बाइक बंद हो रही है जब आपकी बाइक चलने लगे, ऐसे नहीं छोड़ते रहना छोड़ते रहना है, अगर आपने एक्सीलेटर नहीं दिया तो बाइक क्या होगी, बाइक बंद हो जाएगी, अगर आपने एक्सीलेटर नहीं दिया और क्लच को पूरा छोड़ दिया। आपको क्या करना है, जब आपकी बाइक ऐसे, जैसे मान लो अभी मैंने क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर नहीं दिया, और बाइक जब चलना स्टार्ट होगी, ये देखो अभी चल रही है, चलना स्टार्ट होगी, और अभी जब स्पीड पकड़ लेगी 5 की होगी, अभी मैंने पैर ऊपर कर लिए हैं, और 8 की स्पीड होगी, तो आपको बस क्लच को उधर ही पकड़ के रखना। ओके, आपको उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है, आपको क्लच को उधर ही पकड़ के रखना है जितने पे बाइक चल रही है। ये देखो बाइक अभी भी चल रही है, तो अगर आप नए नए हो तो इस तरह से आप बाइक को सीख सकते हो। और अगर आपको क्लच के बारे में अभी इतना पता नहीं है, आपको एक्सीलेटर के पास जाना ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको क्लच से ही बाइक को चलाना है, बाइक की स्पीड आपकी रहेगी 8, 9, 10, 11, इतने तक आपकी बाइक चलती रहेगी, और अगर आपने एक्सीलेटर दिया तो एक्सीलेटर देने के बाद आपकी बाइक की स्पीड 15, 20 या 25 तक हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले क्लच के बारे में सीखो, और जब क्लच अच्छे से हो जाए तो उसके बाद एक्सीलेटर पे जाओ। आपको मैंने बताया कब आपको एक्सीलेटर देना है बाइक का और कब आपको नहीं देना, ये मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस कि गियर शिफ्टिंग कैसे करनी है, आप गियर शिफ्ट कैसे करोगे। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि बाइक को टर्न कैसे करना है, वो मैंने पहले वीडियो बनाई है। बाइक में आपकी बाइक जो होती है वो टर्न, जब आप टर्न लेते हो इसी छोटे रोड पे, जब आप ऐसे बाइक को टर्न लेते हो तो आपसे क्लच छूट जाता है और बाइक बंद हो जाती है, तो उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ ऊपर आई बटन पे वो वीडियो आ रही होगी, जाके देख लेना। तो
अभी मैं आपको इसकी गियर के बारे में बताता हूँ कि गियर कैसे शिफ्ट करने हैं। तो गियर डालने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। पहले आपको बताते हो कैसे गियर डालने हैं और कैसे आपको, यहीं पे बता देता हूँ कि कैसे आपको डाउन करने हैं। बाइक को स्टार्ट किया, ओके। अभी गियर डालने के लिए सबसे पहले क्लच प्रेस करना है। गियर डाला, फर्स्ट गियर हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है, सेकेंड गियर डालना है, ओके। तो सेकेंड गियर आप तभी डालना जब आप चल रहे हो, और चलते आपने क्लच पूरा का पूरा छोड़ दिया, ठीक है। न्यूट्रल कर देता हूँ पहले। तो आपने क्लच ऐसे छोड़ा हुआ है, आपने एक्सीलेटर दिया हुआ है बाइक को, एक्सीलेटर ऐसे चल रही है, आपकी बाइक चल रही है 22 या 25 की स्पीड भी आपकी बाइक चल रही है, आपका फर्स्ट गियर है। तो सेकेंड गियर पे आपको क्या करना है, आपको एक्सीलेटर को, आपने एक्सीलेटर दिया, एक्सीलेटर को रिलीज करो और क्लच प्रेस करो, और फिर आपको आप ऊपर की तरफ करो गियर को, और सेकंड गियर हो जाएगा। और आप हमेशा कभी भी क्लच छोड़ो तो धीरे धीरे छोड़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आप क्लच छोड़ सकते हो। एकदम से क्लच वो छोड़ते हैं जो एकदम से, अगर वो रेसिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एकदम से क्लच छोड़ने में उन्हें अच्छा रहता है कि अच्छे से जल्दी से एकदम से बाइक आगे बढ़ेगी, तो आप धीरे धीरे करना। तो इसलिए सेकंड गियर हो गया, और अभी थर्ड गियर डालता हूँ मैं। थर्ड गियर में भी आपने क्या करना, आपकी बाइक सेकंड गियर पे चल रही है तो आपको थर्ड गियर डालने के लिए फिर से आपको एक्सीलेटर रिलीज करना पड़ेगा, और फिर आपको क्लच को फिर से प्रेस करना पड़ेगा, और फिर से ऊपर की तरफ गियर डाल दिया, और ये हो गया थर्ड गियर। ऐसे ही आपको गियर शिफ्ट करते रहना है। और गियर डाउन कैसे, तो जैसे गियर डालते हैं वैसे ही गियर डाउन होते हैं। आप स्पीड को रिलीज करो, क्लच दबाओ, और फिर से गियर नीचे। तो अभी मैं आपको गियर का बताता हूँ कि गियर कैसे आपको डालने हैं, और कैसे आपको, फर्स्ट गियर डाला और एक्सीलेटर नहीं देंगे, बाइक चल रही है, चलने दो अपने आप, एक्सीलेटर नहीं देना हमें, बाइक चल रही, 6 की स्पीड, 7 की स्पीड होगी, 8 की होगी, अब हमें एक्सीलेटर देना है। एक्सीलेटर दिया और हमने धीरे धीरे फिर क्लच को छोड़ दिया, क्लच छोड़ दिया, और फिर से गियर डालने के लिए एक्सीलेटर रिलीज किया, क्लच दबाया, गियर ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे फिर से क्लच छोड़ा, और स्पीड फिर से धीरे धीरे दी, ये देखो। और जब बाइक चलना स्टार्ट हो जाए, एक्सीलेटर के ऊपर आ जाए सब कुछ, तो उसके बाद आप क्लच को छोड़ दो। एक्सीलेटर के ऊपर है अभी, एक्सीलेटर पे चल रही है अभी बाइक, तो इसलिए क्लच को उधर ही छोड़ दो। तो ये है, और फिर से रोकने के, एक्सीलेटर को रिलीज किया, क्लच को दबाया, और गियर को न्यूट्रल कर दिया, और क्लच को छोड़ दिया, और बाइक को ब्रेक के साथ रोक लिया, समझे। अब इतना बताया तो समझ ही गए होंगे अब तक, तो हो गया। अभी फिर से क्लच प्रेस किया और फर्स्ट गियर डाला और छोड़ दिया, यहाँ पे थोड़ा रोड इस तरह है नीचे की तरफ, तो इसलिए अभी मैंने फुल क्लच प्रेस किया है। तो अभी आपको क्लच छोड़ना है, और क्लच छोड़ना स्टार्ट हो गया तो स्पीड देनी है। जब स्पीड दे दोगे आप, तो आपको फिर से स्पीड रिलीज की, क्लच दबाया, गियर डाला, फिर से क्लच धीरे धीरे छोड़ दिया, सेकंड गियर हो गया, फिर से स्पीड रिलीज की, क्लच दबाया, गियर डाला, और फिर से धीरे धीरे छोड़ दिया, ये देखो सेकंड गियर हो गया। और सेकंड गियर के पे आपको एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज अब सेकंड गियर पे बाइक, तो बाइक अगर आप धीरे धीरे चलाओगे तो उसमें क्या होगा कि बाइक आपकी बंद होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आपने एक्सीलेटर नहीं दिया। तो इसलिए जब आप चल रहे हो तो एक्सीलेटर जरूर देना साथ साथ में। आप जब आप चलना स्टार्ट करते हो बाइक को, आप फर्स्ट गियर पे बाइक को आगे ले जाने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ, आपको क्लच ही मेन है, आप क्लच से ही आगे बढ़ो। अगर आप नए नए हो तो आपके लिए क्लच ही बहुत है, क्लच से आपकी बाइक चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अब, जब मैंने सीखी थी तो मैंने ऐसे ही सीखी थी, और मैं इसलिए आपको वैसे ही बता रहा हूँ जैसे मैंने सीखी है। बिगिनर हो तो आप कैसे करोगे, बहुत से लोगों का बस यही डर होता है कि हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे और एक्सीलेटर दे देंगे, और एक्सीलेटर से बाइक एकदम से झटका मार के ऐसे निकल जाएगी आगे और हम गिर जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको एक ही कहना, आपको एक्सीलेटर देना ही नहीं है, ठीक है, छोड़ दो एक्सीलेटर का, छोड़ दो, है ही नहीं एक्सीलेटर हमारी बाइक में। जब आप सीख रहे हो तो मान लो एक्सीलेटर है ही नहीं बाइक में, ओके। तो आपको सिर्फ क्लच के हिसाब से चलना है,
क्लच को छोड़ना, जब छूटेगा तो बाइक अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगी और उसी स्पीड पे आप चलते रहो चलते। जब आपकी स्पीड 8 या 9 पे हो जाएगी तब आपको आपको एक्सीलेटर को देना है, तो उससे बाइक की स्पीड और बढ़ जाएगी। आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और अगर आप क्लच में ही है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आप क्लच का सीखो, और जैसे मैंने बताया वैसे ही सीखना, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। और 5 पे सेट करना, अगर आपकी बाइक में क्लच 4, 3, 2 पे है या कहीं भी है तो 5 पे सेट करना, तो उससे काफ़ी जल्दी आप सीखोगे क्लच। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और जितना हो सकता था मैंने आसान तरीके से आपको बताया। वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो में। वो दिवाली भी आ रही है तो एडवांस में आप सबको हैप्पी दिवाली, और मिलते हैं दिवाली के बाद एक नई वीडियो के साथ। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी गाइज तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, इट्स हार्ड वर्क बॉयज़। जय हिंद गाइज, चलते हैं।